आज मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक दिखाऊंगा। और बर्तनों के हैंडल में ऐसे होल क्यों होते हैं, या फिर क्यों इस बंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई? वजह जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, कैलिफोर्निया में एक महिला बाजार से एक खूबसूरत पौधा खरीद कर लाई और उस पौधे को उसने बालकनी में रखा और लगातार 2 सालों तक वो उस पौधे में पानी डालती रही। और 2 साल बाद उस पौधे का खास ख्याल रखने के बाद उस महिला को पता चला कि वो जिस पौधे को इतने प्यार से पानी देती है वो पौधा ओरिजिनल नहीं बल्कि प्लास्टिक का था। ये जानने के बाद ले दुकानदार, कैसा लगा मेरा मजाक? नंबर 9, ब्रिटेन के रहने वाले वॉल्टर समरफोर्ड नाम के इस आर्मी ऑफिसर के ऊपर साल 1918 में बिजली गिरी, लेकिन यह बच गया। मगर 6 साल बाद 1924 में इसके ऊपर फिर से बिजली गिरी, मगर ये फिर बच गया, जिसके बाद बादलों को भी अपनी बिजली की शक्ति पर शक हो गया और अपनी पावर का टेस्ट करने के लिए साल 1930 में यानी 6 साल बाद वॉल्टर समरफोर्ड पे फिर बिजली गिरी, जिसके 2 साल बाद 1932 में उसकी मौत हो गई। यहाँ तक तो सब ठीक ही था, लेकिन उसके मरने के बाद भी साल 1936 में उसके कब्र के ऊपर फिर बिजली गिरी, जिसके बाद उसे इतिहास का सबसे बदकिस्मत इंसान कहा जाने लगा। नंबर 8, दोस्तों ये एक मजेदार बात है कि उड़ीसा के जगत सिंहपुर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने हॉस्पिटल जाने के दौरान रास्ते में गाड़ी रोक कर शराब पी ली। इतना ही नहीं, उसने घायल मरीज को भी शराब पिलाया। तो दोस्तों, मैं इन महापुरुषों के विषय में बस एक ही बात कहना चाहूँगा, वाह क्या सीन है। नंबर 7, दोस्तों अभी आप तस्वीर में जिस चीज को देख रहे हैं ये कोई फोटोशॉप नहीं है, बल्कि ये न्यूजीलैंड की गिब्स फार्म में स्थित हॉरिजन नाम की एक वास्तविक प्रतिमा है। नंबर 6, दोस्तों क्या आप भी अपने मुंह के छाले से परेशान हैं? तो आपको पानीपुरी या गोलगप्पा खाना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद जलजीरा और पुदीना मुंह के छाले को खत्म करने में मदद करता है और इसको मैंने खुद आजमाया है। नंबर 5, दोस्तों आज तक आपने पीले रंग के कुछ इस तरह के भुट्टे खाए होंगे, लेकिन अभी आप फोटो में जिस कलरफुल भुट्टे को देख रहे हैं ये अमेरिका में पाया जाता है और इसे ग्लास जर्म कहा जाता है। अमेरिका में इस तरह के कलरफुल भुट्टों की खेती की जाती है। ये खाने में उतना ही टेस्टी होता है जितना दिखने में खूबसूरत। नंबर 4, दोस्तों अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो आपको चंद्रमा तक पहुंचने में केवल 1 सेकंड लगेंगे। सूर्य तक पहुंचने में आपको 8 मिनट 40 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन अगर आप अपनी मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 लाख साल लगेंगे। नंबर 3, दोस्तों आज तक आपने इंसानों को मिली उम्र कैद की सजा के विषय में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी के मिर्जापुर में एक बंदर था जिसे महिलाओं को छेड़ने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और इस बंदर का नाम है कलुआ। इस बंदर को एक तांत्रिक ने पाला था जो इसे शराब भी पिलाता था। ऐसे ही उल्टे सीधे कामों के कारण इस बंदर की हरकतें ऐसी हो गई थी। इस बंदर ने महिलाओं को छेड़ने के साथ साथ 250 से भी ज्यादा लोगों को काटा था। इसके बाद इसे पिंजरे में डाल दिया गया। नंबर 2, दोस्तों जब भी आप खाना बनाने के लिए पैन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने इस बात पे तो जरूर गौर किया होगा कि पैन के हैंडल में इस तरह के होल होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये होल क्यों दिए जाते हैं? हो सकता है आप में से बहुत से लोग इसे पैन में बने डिजाइन मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये होल खाना बनाते वक्त खाने में यूज होने वाले चम्मच को अटकाने के लिए दिया जाता है, जिससे आपको चम्मच को रखने के लिए दूसरे किसी बर्तन का यूज नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आप इस होल का यूज इसे टांगने के लिए भी कर सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों आज तक अपने आसपास इस तरह के ट्रक देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक दिखाऊंगा। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक का नाम है बेलात 75710, जिसका वजन 810 टन है और ये ट्रक अपने से 450 टन तक वेट उठा सकता है। इस ट्रक के ऊपरी हिस्से पर एक बड़े घर के टेरेस जैसा बनाया गया है, जहां पर खड़े होकर आप आसपास के इलाके का मुआयना कर सकते हैं। इस ट्रक में 4 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील का प्रयोग किया गया है और इस ट्रक की स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है। और इसी के साथ आप इस महिला को देखिए जिन्होंने अपनी पीठ पर ही अपने दूल्हे का नाम लिखवा लिया है, लेकिन मेरी इनसे एक शिकायत है कि अगर ये इसी के साथ डेट पता और लिख देती तो ये एक शादी का कार्ड बन जाता और हम लोग इसमें जा सकते। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कॉमेंट बॉक्स में कहिएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।